अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक और मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी बनाएंगे और इसको भी बनाना बहुत ईजी है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस सी, बहुत ही अमीजी लगती है। आप इसको कभी भी लंच में या डिनर में या कोई गेस्ट आए उनको बना के खिलाइएगा। ये डेफिनेटली ये सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप सबको मेरी मिलती रहेंगी। उसके लिए ले 500 ग्राम चिकन, उस पर ऐड कर देगा 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कोरिंडा पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और 1/3 कप योगर्ट और 1/2 लेमन, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा कि सारे स्पाइसेस जो हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद ऐड कर दिएगा पिंच ऑफ रेड फूड कलर और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद इसको भी मिक्स कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद इसको मैरिनेट करने के लिए आधे से 1 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद एक पैन लीजिएगा, उस पर ऐड कर दिएगा 1/8 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को जो है वो गर्म होने दीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए इस पर ऐड कर दिएगा ये मैरिनेट किया हुआ चिकन पीस और इसको अच्छे से जो है वो रोस्ट कर लीजिएगा चिकन के पीसेस को, कि ये 80% जो है वो कुक हो जाए। इसको इतनी देर तक जो है वो रोस्ट कर लीजिएगा। देखिए चिकन जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है, ये अच्छे से कुक भी हो गया है, बस इसको इतना ही कुक करेंगे। इसके बाद सारे चिकन के पीसेस को निकाल लीजिएगा एक बाउल में और इसको साइड में रख दीजिएगा तब तक। उसके बाद एक पैन लीजिएगा, उस पर ऐड कर दीजिएगा 1/2 कप कुकिंग ऑयल और ऑयल को जो है वो गर्म होने दीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाए उस पर ऐड कर दीजिएगा 2 कार्डमम, 1 सिनेमन स्टिक, 1 स्टार एनिस और 10-15 रॉ ब्लैक पेपर। उसके बाद ऐड कर दिएगा 1 मीडियम साइज अनियन लीजिएगा, उसको इस तरीके से चॉप करके वो ऐड कर दिएगा और अनियन को जो है वो फ्राई कर लिएगा जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। देखिए अनियन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। उसके बाद ऐड कर दिएगा 1 कप टोमेटो प्यूरे, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इस मसाले को जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। इसको तब तक रोस्ट करिएगा जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। इसको कवर कर देते हैं। देखिए 10 मिनट्स बाद मसाला जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। देखिए इसका ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया है। उसके बाद ऐड कर दिएगा ये रोस्टेड किया हुआ चिकन। उसके बाद ऐड कर दिएगा 2 टेबल स्पून कैशू पाउडर और 1/2 कप मिल्क। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम टेम्परेचर पे कुक कर लेंगे, क्योंकि 20% अभी चिकन बाकी है घर में, इसको इसलिए 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेते हैं। देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं। 10 मिनट्स बाद देखिए कितना अच्छा सा ये चिकन दिख रहा है। उसके बाद ऐड कर देगा 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 1 ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है। उसके बाद इसको भी कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। इसको 5 मिनट्स बाद सर्व करते हैं। देखिए 5 मिनट्स बाद इस पर एक फॉइल रखिएगा, फॉइल या कटोरी जो भी है। उसके बाद इस पर ऐड कर दिएगा बर्न किया हुआ चारकोल। उसके बाद इस पर फ्यू ड्रॉप जो है वो ऑयल या घी के डालिएगा। इससे बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े का ये ग्रेवी लगेगी। आप लोग ये स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। मैं इसको कवर कर रही हूँ 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स बाद इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार सी, ये कितनी झटपट सी ये चिकन की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। तो आप लोग भी इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर कोई नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।